बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर बादलों के बीच एक बहुत ज्यादा सुंदर परी लोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां एक साथ हंसी खुशी रहा करती थी। परी लोक की कुछ परियां बहुत ही ज्यादा नटखट, चंचल और मौज मस्ती करने वाली थी। वह चोरी छुपे पृथ्वी पर आती थी और शॉपिंग कर कर जाती थी। पृथ्वी पर आना परियों को बिल्कुल मना था। जब इस बात की खबर परी लोक की रानी परी को लगती है तो वह चारों परियों को सजा देती है। अगर आज मैं तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ती तो मैं तो काव्य परी की बात छोटी ही समझती। हमारे परी लोक में आखिर किस चीज की कमी है जो तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ता है? क्यों जाती हो तुम पृथ्वी पर जबकि परियों का जाना बिल्कुल मना है? क्षमा कीजिए रानी परी, लेकिन एक जगह पर रह रहकर बोर हो जाते हैं और एक जगह की चीज खरीद खरीद कर भी, इसलिए हम पृथ्वी पर जाते हैं और वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। देखिए यह ड्रेस मैंने वहीं से खरीदी है, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इंसानों ने अपने हाथों से बनाई है। यहाँ क्या सब कुछ जादू 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 का है? नेहा परी, तुम इतनी बड़ी हो गई कि रानी परी के सामने खड़ी होकर इस तरह से बात करोगी? रानी परी देखिए, ये चारों दोस्त पहले तो सिर्फ अपनी मनमानी करती थी, लेकिन अब तो ये आपके सामने खड़े होकर आपको जवाब दे रही हैं। अगर इस तरह से आपका डर परियों के बीच से खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? रानी परी, आपको अभी कोई ना कोई फैसला करना होगा। हाँ बता देती हूँ, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। काव्या परी, तुम हमेशा हम चारों दोस्त के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर हम चारों दोस्त एक साथ रहते हैं, एक साथ मौज मस्ती करते हैं, तो तुम्हें जलन क्यों होती है? हमेशा हमारे खिलाफ रानी परी के कान भरती रहती हो, और पृथ्वी पर जाने वाली बात भी तुमने ही बताई होगी ना? मैं सिर्फ और सिर्फ परी लोक में सुकून और चैन चाहती हूँ, जो कि तुम चारों की वजह से बिल्कुल नहीं है। रानी परी देखिए, ये हमेशा ऐसे ही करती हैं, इनकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने अभी कोई फैसला नहीं किया तो हमें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है सिर्फ इन चारों दोस्त की वजह से। काव्या परी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम चारों ने परी लोक का माहौल खराब कर रखा है। तुम्हारी वजह से छोटी छोटी परियां क्या सीखेंगी? अगर हमें अपने परी लोक को बचाना है तो तुम्हें तो सजा मिलनी ही होगी। तुम चारों को पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मजा आता है ना, बहुत पसंद है ना पृथ्वी? तो जाओ पृथ्वी पर और वहीं रहो। नहीं नहीं रानी परी, हम अपने परी लोक को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। हम अपना घर छोड़कर भला पृथ्वी पर क्यों जाएंगे? देखिए हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम पृथ्वी पर बस मौज मस्ती के लिए तो जाते हैं, वहाँ नहीं रह सकते। बस फैसला हो चुका है, अब तुम चारों पृथ्वी पर रहोगी। पृथ्वी पर हम परियों का एक बगीचा है, जहाँ पर बहुत सारे फल के पेड़ लगे हैं। वहाँ जाकर तुम उनकी देखभाल करोगी और परियों के बगीचे का एक भी फल चोरी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फल चोरी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जाओ पृथ्वी पर और जाकर उस बगीचे की देखभाल करो, यही तुम्हारी सजा है। देखा मैंने कितनी आसानी से तुम्हें इस परीलोक से पृथ्वी की दुनिया में भेज दिया, तुम चारों खुद को क्या समझती थी? जाओ और पृथ्वी पर परियों के बगीचे के फलों की देखभाल करो, नौकरों वाली जिंदगी जियो, और यहाँ मैं ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगी। अब परीलोक में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, सब परियां मेरी ही बात मानेंगी। काव्या परी हमेशा से सपना नेहा तारा सितारा परी से जलती थी, क्योंकि परी लोक की सभी परियां चारों परी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी, हमेशा सभी परियों की मदद करती थी। उनका चंचल नटखट स्वभाव एक तरफ और दूसरों के प्रति प्यार एक तरफ, जिस वजह से उनकी छोटी मोटी नादानी से सभी परियां उन्हें नजरअंदाज करती थी, और यही बात काव्या परी को पसंद नहीं थी, और वह चाहती थी कि चारों परियों को सजा मिले और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। चारों परियां पृथ्वी पर परियों के बगीचे की देखभाल करती हैं। अरे यार, उस काव्या की बच्ची की वजह से हमें पृथ्वी के बगीचे की देखभाल करनी पड़ रही है। यार वो दिन याद आ रहे हैं जब हम परीलोक में मौज मस्ती करते थे, कभी पृथ्वी पर कभी परीलोक में पार्टियां करते थे, मस्ती करते थे।
अब तो बस यहाँ इस बगीचे की देखभाल करनी पड़ रही है, नौकरानी वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है एक परी होकर। किसने कहा कि हम यहाँ मौज मस्ती नहीं कर सकते 24 घंटे? क्या हम इस बगीचे की देखभाल करते रहेंगे? नहीं, चलो किसी अच्छे जगह जाकर पार्टी करते हैं, वहाँ जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। तुम तीनों जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा, आज बहुत थकान हो रही है। पता नहीं रानी परी ने हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी। यार इस बगीचे की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, पानी देखना, फलों को देखना और ऊपर से नजर रखनी। कोई इस बगीचे से फल चुरा कर न ले जाए, इसलिए किसी न किसी को तो यहाँ पर होना चाहिए। जाओ तुम तीनों जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। तारा परी अपनी तीनों दोस्त के साथ पार्टी में नहीं जाती और नेहा, सपने, सितारा अच्छे से तैयार होकर वह पृथ्वी के एक अच्छे क्लब में जाती हैं और वहां जाकर पार्टी करती हैं। बहुत ज्यादा डांस करती हैं, अच्छा अच्छा खाना खाती हैं, गाना गाती हैं और बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन परीलोक में एक जादूगरनी रानी परी से मिलने आती है। जादूगरनी को देखकर काव्य परी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जादूगरनी, वो भी परीलोक में? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। रानी परी और जादूगरनी के बीच क्या बात चल रही है, मुझे सुननी चाहिए। ऐसा सोचकर काव्य परी रानी परी के कक्ष के बाहर आकर खड़ी हो जाती है ताकि वह जादूगरनी और रानी परी की बातें सुन सके। निहारिका जादूगरनी, मैंने तुम्हें कितने संदेश भेजे, तुम अब आई हो, यह बताओ मैंने सही फैसला किया है ना? रानी परी, आपका फैसला आज तक गलत नहीं हुआ, तो ये फैसला कैसे गलत हो सकता है? सपना, तारा, नेहा और सितारा परी बहुत अच्छी हैं, उनका दिल बहुत नरम है। उस बगीचे की फल की जिम्मेदारी तुमने चारों परियों को देकर बहुत अच्छा किया है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे तुमने चारों परियों को सजा दी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि परियों के बगीचे की फल जब पूरी तरह से पक जाएंगे और वह चारों परियां उन्हें खाएंगी तो उनके पास अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी और वह शक्तियां अच्छे परियों के पास होनी चाहिए। हाँ निहारिका जादूगरनी, मैंने चारों को दूसरों की मदद करते हुए देखा है, उनके दिल में दूसरों के प्रति प्यार है। थोड़ी नटखट चंचल हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इसलिए हमने परियों के बगीचे के फल की जिम्मेदारी उन्हें दी है ताकि उन्हें अद्भुत शक्तियाँ मिल जाएं और हमारे बाद वह परीलोक की बागडोर संभालें। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि रानी परी ने चारों परियों को सजा दी है, वह पृथ्वी पर बगीचे की देखभाल कर नौकरानी वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रानी परी उन चारों को अद्भुत शक्तियां देने वाली है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, परीलोक पर सिर्फ मेरा राज है और हमेशा मेरा ही रहेगा। उन चारों को मैं कभी अद्भुत शक्तियां नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। बस रानी परी, पूर्णिमा के चांद तक परियों के बगीचे का एक भी फल चोरी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फल चोरी हुआ तो तुम जानती हो ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस परियों के बगीचे से एक भी फल चोरी नहीं होना चाहिए पूर्णिमा के चांद तक। मैं चारों परियों को जानती हूँ, वो चाहे जितनी भी नटखट चंचल क्यों ना हो, लेकिन परियों के बगीचे की देखभाल वह बहुत अच्छी तरह कर रही होंगी, वह फल चोरी नहीं होने देंगी। बहुत भरोसा है ना अपनी चारों परियों पर? अब देखो मैं करती क्या हूँ, उन्हें मुँह के बल न गिरा दिया तो मेरा नाम भी काव्य परी नहीं, उन्हें परीलोक की रानी परी बनाना चाहती हो ना रानी परी, अद्भुत शक्तियाँ देना चाहती हो ना? मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा, अब देखो मैं करती क्या हूँ। ऐसा सोचकर काव्य परी परीलोक से सबसे छुपकर पृथ्वी पर अपनी दो दोस्त को लेकर आ जाती है और वह अपना रूप बदल लेती है, एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और अपनी दोनों दोस्त को दो छोटे बच्चे बना देती है और परियों के बगीचे में चली जाती है और वहां जाकर फल तोड़ने लगती है। तभी चारों परियां यह देख लेती हैं और वह कहती हैं, आप कौन हैं? आपको कैसे पता चला कि यहां पर परियों का बगीचा है, यहां पर फल लगे हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फल तोड़ने की? बेटा, ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैंने तो सुना है कि परियों का दिल बहुत ज्यादा नर्म होता है, वह दूसरों के दुख को समझती है। लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दय परी हो, अपने बगीचे से हमें फल भी नहीं तोड़ने दे रही। बेटा, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है, इसलिए फल तोड़कर लेके जा रही थी, खाने दो बेटा। अम्मा जी, क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बगीचे के फल आपको नहीं दे सकते। आपको भूख लगी है और आपके बच्चों को भूख लगी है, तो हम चारों परियां आपको स्वादिष्ट खाना खिलाती हैं। आओ,
हम तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, वहाँ तुम पेट भरकर खाना खाना, लेकिन ये फल मत लेके जाइए, यह रानी परी की अमानत है जिसकी देखभाल करने के लिए हम यहाँ रह रहे हैं। बेचारी चारों परियां इस बात से बेखबर कि वह बूढ़ी औरत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन काव्या परी है, वह उसके और उसके बच्चों की मदद के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है और अपने बगीचे में आकर सुकून की सांस लेती हैं। तभी काव्या परी बूढ़ी औरत के रूप से अपने असली रूप में आ जाती है और वह सेब और आम दो फल निकाल कर बहुत खुश होती है। बेचारियों को पता ही नहीं चला कि कब मैंने आसानी से दो फल उनके बगीचे से चुरा लिए, अब देखो उनके साथ होता क्या है। ऐसा कहकर काव्या परी बहुत खुश हो रही थी कि तभी आम और सेब के अंदर से दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं और काव्या परी और उसके दोस्त को पकड़ लेती हैं और उसके बाद परी लोग जाकर अपना आतंक मचाना शुरू कर देती हैं। पूरे परी लोग में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और रानी परी को भी बंदी बना लेती है। तूने हम दोनों को फल के रूप में बदलकर अपने बगीचे में लगा रखा था ना, वो तो अच्छा हुआ कि तेरे परीलोक की परियों ने हमें आजाद कर दिया और अब तुझसे हम गिन गिन कर बदला लेंगे। तेरे परीलोक को तो हम तहस नहस कर ही देंगे और तुम सारी परियों को भी नमक मिर्च छिड़क स्वादिष्ट खाना बनाकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। अगर तुम पूर्णिमा तक और आजाद नहीं होती तो तुम्हारी सारी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाती और तुमने जो हमारी शक्तियाँ हासिल की थी वह सभी फलों के अंदर आ जाती। लेकिन पूर्णिमा के चांद से पहले पहले यह सब क्या हो गया? सपना तारा सितारा नेहा, यह तुमने क्या किया? तुमने बगीचे की अच्छी तरह देखभाल नहीं की, आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, पूरा परिलोक मुसीबत में आ गया, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ओह नो, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? मुझे लगा था कि चारों परियां उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन वो तो आराम से पृथ्वी पर हैं और यहाँ पूरा परिलोक इतनी बड़ी मुसीबत में। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब ये कैसे ठीक होगा? इन चुड़ैलों का निवाला तो अब हम बनकर ही रहेंगे। काव्या परी को अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर चारों परियों को एक बहुत भयंकर सपना आता है जिसे देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं। तारा सितारा नेहा, मुझे बहुत भयंकर सपना आया है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिलोक मुसीबत में हो, हमें परिलोक जाना चाहिए। अरे यार, परिलोक को लेकर भयंकर सपना तो मुझे भी आया है, लेकिन सपने सच नहीं होते, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। और तुम्हें पता नहीं, हम परिलोक वापस नहीं जा सकते, हमें सजा मिली है, और अगर हम परिलोक वापस गए तो इस बार पता नहीं रानी परी हमें कितनी बड़ी सजा दें, कहीं हमसे हमारी जादुई शक्तियाँ ही नहीं छीन लें, उनके बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ, हम परिलोक वापस नहीं जाएंगे। नहीं यार, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, परिलोक जाने के बाद जो सजा मिलेगी वो मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रह सकती, परिलोक जाना चाहिए, देखो प्लीज चलो मेरे साथ। सपना परी की बात तीनों परियां टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह बगीचे को छोड़कर परीलोक जाने का फैसला करती हैं और चारों परियां परीलोक जाकर देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, परीलोक मुसीबत में है, हमें कुछ करना होगा, हमें अपने परीलोक को बचाना होगा, लेकिन हम चारों इतनी शक्तिशाली चुड़ैलों का सामना कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना परी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, अब हम चारों को एक हो जाना चाहिए, जब हम चारों की शक्ति एक हो जाएंगी तो हम आसानी से चुड़ैलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमें छुपकर करना होगा, अगर चुड़ैलों की नजरों में आ गए तो हम भी इनकी कैद में आ जाएंगे। चारों परियां एक जगह छुप जाती हैं और वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और चारों परियां एक विशाल परी के रूप में आ जाती हैं और उसके बाद परी लोग की जगह जगह की आग बुझाती हैं, परियों को चुड़ैलों के चंगुल से निकालती हैं और उसके बाद काली चुड़ैल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, उसका सामना करती हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद वह चुड़ैलों को मार गिराती हैं और परी लोग की एक भी परी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती। रानी परी चारों परियों को धन्यवाद कहती हैं।
अगर तुम चारों परियां आकर परीलोक को नहीं बचाती तो परीलोक की एक भी परी जिंदा नहीं बचती और परीलोक हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। तुम चारों बहुत अच्छी हो। पहले तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा था कि तुमने परी के बगीचे के फल कैसे चुराने दिए, लेकिन अब मैं उस गलती को तुम्हारी माफ कर देती हूँ क्योंकि परीलोक को भी तुमने ही बचाया है। नहीं रानी परी, फल सपना, तारा सितारा और नेहा की वजह से चोरी नहीं हुए, बल्कि मैंने और मेरे साथियों ने चारों परियों को सबक सिखाने के लिए फल चुराए थे। यह तो रात दिन उनकी निगरानी कर रही थी, हमने उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर फल चुराए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सपना, तारा सितारा, नेहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और देखो, जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था, आज उसमें मैं खुद गिर जाती अगर सही समय पर तुम नहीं बचाती तो। काव्या परी, तुम इतनी लालची और बुरी परी हो सकती हो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तुम्हें काल कोठरी की सजा होती है। नहीं रानी परी, काव्या परी को अपने के पर पछतावा है और उसने अपना जुर्म कबूल भी किया है। हमें काव्या परी को माफ कर एक मौका देना चाहिए, वो अपने के पर शर्मिंदा है। रानी परी चारों परियों की बात सुनकर काव्या परी को एक मौका दे देती हैं और काव्या परी अब चारों परियों की अच्छी दोस्त बन जाती है। और कुछ दिन बाद जब पूर्णिमा का चांद पूरा हो जाता है तो रानी परी उस बगीचे के फल चारों परियों को खाने के लिए देती हैं, जिसे खाने के बाद उनके पास अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं और वह उन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती और हमेशा अच्छे ही काम करती हैं।